हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये जो दो शेयर है, ये दोनों के दोनों मेरे पास पोर्टफोलियो में है और दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा ही बढ़ रहे हैं दोनों शेयर। मेरे हिसाब से ये शेयर बहुत बढ़िया इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो पहला शेयर है वो है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक ये एक मल्टी बैगर स्टोरी साबित हो सकती है। यहाँ से भी इसको भी हर गिरावट में आपको एक्यूमुलेशन करना है। कंपनी बहुत बेस्ट है, 9113 करोड़ की कंपनी। इनका काम, मेजर काम मैं बोलना चाहूंगा, आईटी सेक्टर का तो है ही, पर इसके साथ साथ मैं बोलूंगा केपीआईटी टेक आने वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा एलेक्सआई के बाद सबसे पहली कंपनी होगी केपीआईटी टेक जो ये काम करेगी। एक ही कंपनी को सब ऑर्डर नहीं मिलेंगे, केपीआईटी टेक भी यहाँ से ये लेवल से भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए रेडी है। तो केपीआईटी टेक में हमें बाइंग करनी है जब भी मार्केट की गिरावट आएगी। अभी जो बोल रहे हैं मार्केट में बबल बन चुका है, ये होगा वो होगा, अगर गिरावट आती है तो केपीआईटी टेक में हमें ऐड करना है। जिसने बाइंग नहीं की होगी वो भी कर सकता है, अभी मेरे पास तो है, मैं और ऐड करूंगा अगर मार्केट गिरता है तो। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत बढ़िया है। प्रमोटर के पास अगर देखे, प्रमोटर के पास 40% है, FIIs 19% होल्ड करते, DIIs 14, पब्लिक 24% होल्ड करते और अदर्स 1.82। तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रांग स्ट्रक्चर इसका 40% प्रमोटर के पास है। और इसका अगर चार्ट देखते हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बहुत बढ़िया। अभी इसका रिसेंट सपोर्ट ये बन के आ रहा है जो कि 210 सॉरी 310 315 के आसपास सपोर्ट बन के आ रहा है। तो अगर ये इसके आसपास आता है तो इसमें बाइंग जरूर करना, क्योंकि ये शेयर आपको रिटर्न्स बहुत बढ़िया देगा अगर 310 320 के आसपास आता है तो। ये रहा पहला शेयर केपीआईटी टेक। अब हम दूसरा शेयर देखेंगे। दूसरा शेयर है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट भी सेम बढ़ रहा है और अगर ये यहाँ पे आता है 310 के आसपास, समझो 310 306 या 300 इसके आसपास अगर मैक्स हेल्थ केयर मिलता है तो इसमें भी बाइंग की जा सकती है। ये शेयर का भी स्ट्रक्चर देखो, वंडरफुल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है इनके पास। इनके जो हॉस्पिटल से, जैसे आप देखते हो अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल का मुनाफा आया है अभी, बहुत ज्यादा मुनाफा किया है उन्होंने, वैसे ही मैक्स हेल्थ केयर करेगा आने वाले टाइम में और ये चार्ट भी बढ़ते ही जाएगा। तो मैंने तीन लेवल दिए, 310, 306, 301, यहाँ धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है ये शेयर भी। इसके भी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। कंपनी 30,000 करोड़ की कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करी है और सबसे मेन बात ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। आपने अभी देखा कोविड में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये भी कंपनी बढ़ेगी, इसमें होल्ड रखना है। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और 24 के CAGR से ग्रो कर रही है कंपनी 5 सालों से, तो इसमें हमें नजर रखनी है। इसमें भी देखो प्रमोटर, देखो कितना परसेंट खरीदते, 70% प्रमोटर के पास है, 14% FIIs, 7% DIIs और पब्लिक के पास सिर्फ 7% है। पब्लिक अभी इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। ये शेयर लगता है पब्लिक को स्लो ग्रोथ देता है पर ये कांस्टेंट ग्रोथ देता है। ये देखो कौन से भी लेवल पे आप एंट्री की होगी, समझो ये पीक पे एंट्री कर ली, समझ लो आपने ये पीक पे एंट्री कर ली 213, नीचे आया रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बेच दिया, फिर क्या हुआ इसने पीक मारा 241 का, नीचे आया इधर बेच दिया लोगों ने। अभी देखो इसने पीक मारा था 332 का, तो जो इन्वेस्ट रहेगा उसका ही पैसा बनेगा। तो मैक्स हेल्थ केयर में भी बिल्कुल बने रहिए, ये बढ़िया शेयर है। इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश करते, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।